जय हिंद वंदे मातरम, स्वागत है। आज 12 अप्रैल 2020 टुडे ब्रेकिंग न्यूज हेडलाइन के आज दिन भर के तमाम बड़ी खबरें लेके आ चुके हैं जो कि आपके डे टू डे लाइफ से बिल्कुल जुड़े हैं। और अगर आप एक भारतीय हैं तो आपको जानना बेहद ही जरूरी है। तो आज 12 अप्रैल का दिन भर के तमाम 10-12 ऐसे बड़ी खबरें बताएंगे जो कि आपके डे टू डे लाइफ से बिल्कुल ताल्लुक रखता है। तो देखिए, सबसे पहले तो चीनी मारी का लाइव अपडेट बताएंगे, उसके बाद यहाँ पे कुछ मुख्य समाचार निकल कर रहे हैं जो कि आपको सबसे पहले बता दें, उसके बाद सभी मुख्य समाचार को विस्तार से बताएंगे। देखिए, यहाँ पे क्वारंटाइन खत्म होने के बाद 17 जमातियों को जो बिल्कुल जेल भेज दिया गया, उसके बाद इन सभी राज्यों ने किया लॉकडाउन का ऐलान। तो कौन से राज्य ने लॉकडाउन का ऐलान किया, सभी विस्तार से समझाएंगे, लेकिन सबसे पहले मुख्य समाचार सुन लीजिए। इन राज्यों के सरकार का ऐलान, 9वीं और 11वीं के बच्चों को बिना परीक्षा किया जाएगा प्रमोट। जी हाँ, कौन से राज्य का सरकार ने ये घोषणा किया, सभी चीजें आगे मालूम चलेगा। उसके बाद ये फॉर्म भरकर देने पर ही वाहन चालकों के खाते में सरकार की ओर से आएंगे पूरे 5,000 रुपए। तो कौन से फॉर्म भरना है तभी जाके वाहन चालकों के खाते में आएंगे 5,000 रुपए, सभी चीजें विस्तार से बताएंगे। उससे पहले गुजारिश करेंगे, इस तरह के जुड़े ब्रेकिंग न्यूज हेडलाइन से हमेशा अपडेट निकले, वीडियो के नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन है, उसे दबा के चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे को दबाइए, उसके बाद वीडियो को लाइक शेयर करें। हमारे मेहनत का फल लाइक शेयर करने से मिलता है। वीडियो के नीचे कमेंट करें अपने जिले का नाम, राज्य का नाम, ताकि आगे आने वाले टुडे ब्रेकिंग न्यूज हेडलाइन में आपके जिले और राज्य के न्यूज अपडेट जरूर से दे पाएं। सभी चीजें विस्तार से बताएंगे। सबसे पहले आपको बताएंगे यहाँ पे चीनी बीमारी का जो लाइव अपडेट आज का है। आज का लाइव अपडेट आप स्क्रीन में देख सकते हैं। यहाँ पे टोटल पॉजिटिव केसेस की संख्या अगर बताएं 8897, उसके बाद अगर एक्टिव केसेस की बात बताएं जो कि अभी इलाज चल रहा है, जो हॉस्पिटल एडमिट है, वो है 7581। उसके बाद रिकवर्ड केस की अगर बात करें, जितने लोग सही होकर हॉस्पिटल डिस्चार्ज हो चुके वो हो गए हैं 1023। उसके बाद वही डेथ की नंबर अगर बात करें तो 293। तो ये कुछ आंकड़े निकल कर रहे थे टुडे ब्रेकिंग न्यूज हेडलाइन में। आज का टुडे लाइव अपडेट जो है चीनी मार्केट का ये रहा। उसके बाद अभी हम लोग एक एक करके सभी खबरें विस्तार से बताएंगे। यहाँ पे देखिए, लॉकडाउन से लेकर जो 10वीं और 11वीं के जो बच्चों के, सॉरी 9वीं और 11वीं के जो बच्चे का बिना परीक्षा प्रमोट करना था, सभी चीजें बताएंगे विस्तार से। वीडियो में बिल्कुल अंत तक बने रहिए, वीडियो बिल्कुल स्किप मत करिए, स्किप करोगे तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले आपसे गुजारिश करेंगे वीडियो को लाइक शेयर करिए। सबसे पहली खबर निकल कर, अमेरिका में 24 घंटे के भीतर 1920 लोगों की मौत, बड़ी संख्या में मृतकों के गुपचुप तरीके से दफनाया गया। जी हां, अमेरिका के एबीसी के एक कार्यक्रम के एक रिपोर्ट में प्रसारित हुई जिसमें कहा गया था कि कोविड-19 के मृतकों की संख्या अस्पताल के सब गृह की क्षमता से अधिक हो गई है। सरकार के 150 की इतिहास वाले अमेरिका के सबसे बड़े कब्रिस्तान हॉट आइलैंड में खाई खोदकर लावारिस लाशों को दफनाना पड़ रहा है। जी हां, उसके बाद की बड़ी अपडेट की बात करें तो मुंबई ताज होटल के कई कर्मचारी को कोरोना पॉजिटिव पाए गए, जांच के बाद हुई पुष्टि। आईएससीएल के एक प्रवक्ता ने कहा कि जिन लोगों को पॉजिटिव पाया गया है उनमें ज्यादातर लोगों में बीमारी का कोई लक्षण ही नहीं था। हालांकि कर्मचारियों के पॉजिटिव पाए जाने के बाद उन सभी को अस्पताल में भर्ती कर दिया गया है। उसके बाद की बड़ी अपडेट की अगर बात करें तो लॉकडाउन बढ़ेगा, इन 5 राज्यों में घोषणा हो चुकी है, 6ठा तैयार है, बस आज कल में पीएम भी कर सकते हैं ऐलान। जी हां, कोरोना का संक्रमण रोकने के लिए लगाए गए देशव्यापी लॉकडाउन का बढ़ना लगभग तय माना जा रहा है, बस औपचारिक घोषणा होने बाकी है। 5 राज्य ऐलान कर चुके हैं जबकि 6ठा भी तैयार है। हां, इस बार कुछ रियायतें जरूर मिलेंगे। शनिवार की बैठक के बाद महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल और तेलंगाना ने लॉकडाउन बढ़ाने का ऐलान कर दिया है। वहीं हरियाणा ने भी इससे बढ़ाने का संकेत दे दिए हैं। इससे पहले ओडिशा 30 अप्रैल तक और पंजाब 1 मई तक लॉकडाउन बढ़ाने का ऐलान कर चुका है। उसके बाद की बड़ी अपडेट की बात करें तो उत्तर प्रदेश क्वारंटाइन खत्म होने के बाद 17 जमाती भेजे गए जेल, सभी इंडोनेशिया और थाईलैंड के रहने वाले थे। जी हां, सरकारी प्रवक्ता के अनुसार पुलिस ने ताज और कुरैशी मस्जिदों से 17 विदेशी नागरिकों सहित 21 जमातियों को गिरफ्तार किया था और इन सभी के 31 मार्च को क्वारंटाइन में रखा गया था। बाद में जांच कर लिए उनके नमूने भेजे गए जो कि नेगेटिव आए थे। उत्तर प्रदेश के बहराइच में क्वारंटाइन अवधि खत्म होने के बाद 17 जमातियों को रविवार को जेल भेज दिया गया। पहले इन जमातियों के मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया और फिर जेल में भेजा गया। सभी को वीजा और पासपोर्ट नियमों का उल्लंघन करने का दोषी पाया गया। सभी जमाती इंडोनेशिया और थाईलैंड से हैं। उसके बाद की बड़ी अपडेट की अगर बात करें तो पीपीएफ और सुकन्या समृद्धि योजना के निवेशकों को 3 महीने की मोहलत। जी हां, लॉकडाउन की वजह से लोग घरों से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, साथ ही कुछ लोगों के साथ नकदी की किल्लत है। इस बीच केंद्र सरकार ने पीपीएफ और सुकन्या समृद्धि योजना के निवेशकों की बड़ी राहत दी है। वित्त मंत्रालय ने निवेशकों को राहत देते हुए पीपीएफ और आरडी और सुकन्या समृद्धि खाता को 2019-20 के अनिवार्य न्यूनतम राशि 30 जून तक जमा करने की कर सकेगी। यानी कि पहले इसकी तारीख जो है अंतिम तारीख 31 मार्च थी, तो इसमें बढ़ा दिया गया। उसके बाद की बड़ी अपडेट की अगर बात करें तो ये फॉर्म भरकर देने पर ही वाहन चालकों को खाते में आएंगे 5,000 रुपए, देनी होगी ये जानकारी। जी हां, दिल्ली सरकार ने लॉकडाउन की वजह से आर्थिक संकट से जूझ रहे पब्लिक सेवा वाहन चालकों को वित्तीय मदद देने का ऐलान किया है। दिल्ली सरकार की ओर से की गई घोषणा के मुताबिक पीएसबी यानी कि चालकों को कोई 5,000 रुपए की एक मुफ्त राशि उनके बैंक खाते में भेजी जाएगी। सरकार से यह आर्थिक मदद सिर्फ एक बार दी जाएगी, लेकिन ये इस सहायता राशि के लिए वाहन चालकों को रजिस्ट्रेशन के दौरान ये जानकारी देनी होगी। जी हां, सरकार का कहना है कि आर्थिक मदद का लाभ सिर्फ उन्हीं पब्लिक सर्विस व्हीकल चालक वालों को इस सहायता राशि फायदा मिलेगा जिनका बैंक खाता उनके आधार कार्ड से लिंक हुआ हो। आर्थिक मदद प्राप्त करने के लिए पात्र लाभार्थी को ऑनलाइन आवेदन करना होगा। सरकार ने ऑनलाइन आवेदन के लिए एक सॉफ्टवेयर विकसित किया है, इसका लिंक दिल्ली परिवहन विभाग की वेबसाइट पर मिल जाएगा। सरकार की ओर से वाहन चालकों को दी जा रही सहायता राशि पाने के लिए वाहन चालकों का फॉर्म भरने के दौरान पीएसबी बैंक संख्या, ड्राइविंग लाइसेंस नंबर, जन्म तिथि, मोबाइल नंबर, लिंक और बैंक खाते में जुड़े आधार नंबर की जानकारी देनी अनिवार्य है। दिल्ली सरकार के इस आर्थिक मदद
सहूलियत का लाभ सिर्फ उन्हीं लोगों को मिलेगा जिन्हें 23 मार्च 2020 तक पब्लिक सेवा व्हीकल का वैज मिला होगा। इसके अलावा ऐसे व्यक्ति जिनके ड्राइविंग लाइसेंस की वैधता 1 फरवरी 2020 या उससे बाद समाप्त हो गई है। जी उसके बाद की बड़ी की अगर बात करें तो लॉकडाउन के बीच खोला गया ये राजमार्ग जरूरी सामान पहुंचाना हो गया आसान। जी कोरोना वायरस महामारी पर लगाम लगाने के लिए देश में 21 दिन का लॉकडाउन किया गया है। देश भर में जहां इस समय सभी गतिविधियां बंद है, वहीं एक अच्छी खबर आई है। बीआरओ ने सामरिक महत्व की श्रीनगर लेह राजमार्ग को 4 महीने बाद खोल दिया है ताकि अब जो है सामान का लेन देन अच्छे से हो सके। उसके बाद की बड़ी बात करें कोरोना संकट के बीच राजस्थान सरकार का फैसला 9वीं और 11वीं के छात्रों को किया जाएगा प्रमोट। जी हां, राजस्थान सरकार ने 9वीं और 11वीं छात्रों को अगली कक्षा में पास करने का फैसला किया है ताकि कोरोना वायरस के चलते कारण छात्रों को भविष्य पर किसी भी प्रकार का प्रभाव न पड़े। कोरोना वायरस के प्रकोप को देखते हुए राजस्थान सरकार ने कक्षा 9वीं और 11वीं के छात्रों को अगली क्लास में पास करने का आदेश स्कूल प्रशासन को दे दिया है। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा विभाग द्वारा जारी एक आदेश के अनुसार इन छात्रों को अर्धवार्षिक परीक्षा और करिकुलर एक्टिविटीज में प्राप्त अंकों के आधार पर कक्षा 10वीं और कक्षा 12वीं में पास किया जाएगा। तो यही कुछ दिन भर के तमाम बड़ी खबरें निकल कर आ रहे थे। तो टुडे ब्रेकिंग न्यूज हेडलाइंस आपके सामने रख दिया। वीडियो पसंद लाइक करिए, शेयर करिए।